गाजीपुर के मरदह क्षेत्र महाहर धाम के समीप बारात की मिनी बस में 11,000 लाइन के तार छू जाने से आग लग बस में आग लग गई और देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। बस में लगी आग इतनी भयावह थी कि कोई भी आग बुझाने के लिए बस के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 6 लोगों की जलने की खबर अब तक मिली। जानकारी के मुताबिक इस आग से करीब 6 लोगों के जलने की सूचना है। हालांकि इस हादसे में हताहत लोगों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बस CNG थी जो मऊ के कोपा से बारात लेकर मरदह के महाहर धाम पर आ रही थी। बस कच्चे रास्ते से आ रही थी और इस दौरान बस में करीब 20 लोग सवार थे। जो घटना घटी है, क्या है स्थिति यहाँ? स्थिति देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जैसे घटना के बारे में जानकारी हुई उन्होंने तुरंत मुझे हॉस्पिटल भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की प्रथम प्राथमिकता ये है कि जो हमारे घायल हैं उनकी जान को बचाया जाए। अभी तक सूचना जो है वो 10 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उनको भेज दिया गया है। बाकी 6 लोग अभी यहाँ जो मेडिकल कॉलेज गाजीपुर है यहाँ एडमिट हैं। 5 लोगों की कैजुअलिटी की सूचना है, बाकी की कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये अच्छा है कि कोई भी घायल ऐसी स्थिति में नहीं है कि जिनको बनारस या लखनऊ कहीं रेफर करने की आवश्यकता पड़े। अभी जो लोग घायल हैं उनको बचाने की का हम लोग काम कर रहे हैं।